नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कुछ फिल्में बनती हैं पर रिलीज नहीं हो पाती हैं, पोस्टर रिलीज होता है पर फिल्म नहीं बन पाती है, शूटिंग शुरू होती है पर फिल्में नहीं आ पाती हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। जी हाँ, एक मूवी है संजय दत्त की जिसमें संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ दिखाई देने वाले थे, और दूसरी मूवी है अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की जिसमें दोनों एक साथ दिखाई देने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन की उस मूवी के बारे में जो कि रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म का नाम है साधु संत, साधु संत, जो कि 1991 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इस फिल्म की थोड़ी बहुत शूटिंग भी हो चुकी थी और इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हो चुका था, जिस पोस्टर को आप सब लोग देख भी नहीं होंगे। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में हेमा मालिनी, अमृता सिंह साथ ही सुरेश ओबेरॉय भी दिखाई देने वाले थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी की जिसमें संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ दिखाई देने वाले थे। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की इसके पहले भी एक मूवी आ चुकी थी जिस मूवी का नाम था इलाका जीते हैं शान से, ऐसी कुछ मूवी आ चुकी थी और उन्हें में से ये एक फिल्म और आने वाली थी जो कि एक रोमांटिक मूवी थी। जी हाँ, इस फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित साथ ही मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देने वाले थे। कहा यह भी जाता है कि ये मूवी कहीं ना कहीं साजन मूवी का रीमेक था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये फिल्म साजन फिल्म के तौर पर ही आने वाली थी, लेकिन ये फिल्म ना आकर साजन फिल्म आ गई। फिलहाल इस बारे में कितनी सच्चाई है हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही माधुरी दीक्षित स्टार की मूवी नहीं आ पाई, जिसकी शूटिंग भी होने वाली थी पर शूटिंग नहीं हो पाई, केवल पोस्टर तक ही रहा और ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। अब आप लोग बताइए, अगर ये फिल्म रिलीज हो गई होती, चाहे वो साधु संत होती चाहे जयदेवा जो इसमें संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दी है, तो ये बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल कर पाती, हमें अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।